हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेस और इनकोहेरेंट सोर्सेस। साथ साथ उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, जहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ये जो वीडियो है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सीधे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है या कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में जरूर उसको मेंशन करिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी का प्रूविंग कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये क्या है, आपका इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। तो यहाँ पे आपके पास दो मीडियम कौन कौन से हैं, एक मीडियम है आपका एयर और दूसरा मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो इसलिए हर तरह से आपके यहाँ पे दो मीडियम एयर और ग्लास हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो आपका ए बी देख रहे हैं, ये ए बी क्या है, आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी हो गया, डैट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। और जो आपका क्या है यहाँ पे ए डैश बी डैश देख पा रहे हैं, ये ए डैश बी डैश क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ए डैश बी डैश हो गया, वो हो गया आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे सिंगल रे को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे एक रे क्या है, इस तरह से इस बाउंड्री सरफेस से पड़ रही है। जैसे यहाँ पे बाउंड्री सरफेस पड़ रही है, ये आपका क्या है, नॉर्मल हो गया। जैसे हमें पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, वैसे क्या होती है, वे टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है, ये क्या हो रहा है, टूवर्ड्स नॉर्मल यहाँ पर बेंड हो रही है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश आपका हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और आपका ए बी हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है। यहाँ पे देखिए, जितने टाइम में लाइट यहाँ पे ए से आपकी ए डैश पहुंचेगी, जितने टाइम में लाइट आपकी ए से ए डैश पहुंचेगी, उतने ही टाइम में जो आपका ये वाला पार्टिकल है, जो व्हाइट का जो आपका वेव फ्रंट एमिट करेगा, जो वेवलेट्स एमिट करेगा, वो वेवलेट्स आपकी बी से बी डैश पहुंचेगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जितने टाइम में ए से ए डैश पर लाइट पहुंचेगी, उतने ही टाइम में यहाँ पे बी से बी डैश पर लाइट पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखिए ये आपका एंगल यहाँ पे आई कंसिडर किया हमने, और ये जो एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम है, हमें क्या करना है, B से B डैश तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकालना है, और A से A डैश जाने में कितना टाइम लगा वो निकालना है, और फिर दोनों ही टाइम को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। बिकॉज जैसे कॉन्सेप्ट है कि टाइम यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम निकालते हैं पहले B से B डैश तक की डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बी बी डैश, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी। तो सपोज करिए, बिकॉज यहाँ पे मीडियम क्या है, सेपरेट है, दो अलग अलग मीडियम से, तो फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, v1 है, और सेकंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, v2 है। तो फर्स्ट मीडियम में v1 और सेकंड मीडियम में v2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना हुआ, v1, और टाइम कितना हो गया, t। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है हमको, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, कौन सा, ए बी बी डैश, इस ट्रायंगल में क्या करना है हमको, साइन आई निकाल लेना है, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, अब बिकॉज जैसे कि हम जानते ही हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यह आपका ये जो साइड होगा वो क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस, जो कि लास्ट वाले डेरिवेशन में मैंने बताया था कि ये आपका क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश। अब आपने यहां पे बी बी डैश की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इक्वेशन 1 से कितना है, v1 into t। तो आप क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका,
साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी वन टी अपॉन ए बी डैश इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, ये आपका जो आपने यहां पे अप्लाई किया है यही आपको सेम कॉन्सेप्ट क्या करना है, जो आप नीचे ट्रायंगल देख रहे हैं ए ए डैश और बी डैश, इस ट्रायंगल में आपको सेम चीज यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे हम कर लेते हैं। यहां पे देखिए पहले आप क्या करना है आपको, जैसे आपने यहां पे बी बी डैश डिस्टेंस निकाला है वैसे आपको यहां पे ए ए डैश डिस्टेंस भी निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां पे सेम चीज करते हैं, तो डिस्टेंस ए ए डैश, अब डिस्टेंस जैसे निकालेंगे फॉर्मूला सेम चीज वेलोसिटी इनटू टाइम, बट यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है v2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी आपकी v2 हो जाएगा और टाइम मैंने पहले ही बोला हुआ है टाइम सेम है तो टाइम यहां पर आपका t हो जाएगा, तो जो आपका a a डैश है वो कितना हो जाएगा v2 into t। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहां करने इतना करने के बाद अब क्या करना आपको, जो ट्रायंगल आपका a a डैश b डैश इन ट्रायंगल a a डैश एंड बी डैश, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग आर साइन आर लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर बस क्या करिए आप साइन आर निकाल लीजिए, तो साइन आर का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया एंगल के सामने वाला, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यानी ए ए डैश डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस सेम रहेगा ए बी डैश। ठीक है, अब क्या करना है आपको सेम चीज आपको यहां पे ए डैश की जो वैल्यू है उसे क्या करना रिप्लेस कर देना है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका सीधे वैल्यू पुट करते हैं वी टू टी डिवाइडेड बाय ए बी डैश इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे आपको जो कॉन्सेप्ट सिंपल लगा, हमने क्या हुआ पहले इस ट्रायंगल में वर्क किया ए बी बी डैश में, हमने क्या किया आप सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर यूज किया और उसके बाद हमने ए ए डैश और बी डैश में क्या किया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। अब क्या करना हमको यहां पर देखिए इक्वेशन जो आपका 2 है और जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है इससे क्या करना है डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग यहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ, और जो स्नेल्स लॉ है अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप यहां पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ा है वहां पर जाके देख सकते हैं, वहां से आपको स्नेल्स लॉ क्लियर हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो हम लोग यहां ये करेंगे हमने यहां पर साइन आई निकाल लिया और यहां पर हमने क्या किया साइन आर निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है वी वन टी अपॉन ए बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका वी टू टी डिवाइडेड बाई ए बी डैश। अब जैसे क्या करें इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका यहां पर ए बी डैश यहां पे कैंसिल हो जाएगा और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां पे आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, और आपको ये चीज पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और ये चीज आपको पता है कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी और सेकंड मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है यही हमारा होता है स्नेल्स लॉ, तो इस तरह से हमने क्या हुआ हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके हाइगेंस प्रिंसिपल का जो वेवलेट्स वाला कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके हमने क्या किया डायग्राम ड्रॉ किया और उस डायग्राम को यूज करके हमने क्या किया स्नेल्स लॉ को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो जैसे हमने स्नेल्स लॉ को प्रूफ किया इसका मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हम लोग वेव थ्योरी का यूज करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट बार डेरिवेशन देखा ये जो डेरिवेशन था ये आपका सीधे लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इससे जो प्रीवियस वीडियो में जो मैं डेरिवेशन बताया था वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये जो हाइगेंस प्रिंसिपल है ये हाइगेंस प्रिंसिपल में आपका जो हाइगेंस प्रिंसिपल की पूरा आपका जो इंपॉर्टेंस होता है और जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, और जो आपका दोनों डेरिवेशन है ये आपके लॉन्ग में, और ये जो आपको मैं 3 डेफिनेशन बताने वाला हूँ ये तीनों डेफिनेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, कई बार क्या होता है इनके बीच जो डिफरेंसेस भी आ सकते हैं आपका कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस में, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आपका जो कोहेरेंट सोर्सेस है इसी के रिलेटेड आपका इंटरफेरेंस टॉपिक स्टार्ट होगा, तो इंटरफेरेंस शुरू करने से पहले आपको ये जो तीनों पॉइंट्स है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है हमको पता है कि बहुत सारे डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में,
तो कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ को प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। जैसे आप सपोज जानते हैं कि जैसे आप लोग क्या करते हैं आजकल एलईडी बल्ब का यूज करते हैं, जितने भी हम लोग व्हाइट लाइट सोर्स का यूज करते हैं वो सारे कलर में क्या होता है, सेवन कलर्स होते हैं। हमको पता है कि जो आपकी व्हाइट लाइट है वो क्या होती है, सेवन डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। यानी कि मतलब उसमें एक कलर नहीं होता है, उसमें एक कलर की वेवलेंथ ना होके बहुत सारे डिफरेंट कलर की वेवलेंथ वहां पे यूज होती है, तो वो क्या हो जाए आपका नॉन मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ कि जिसमें क्या हो सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ हो, मतलब सिर्फ एक ही कलर की लाइट हो। जैसे हम क्या करते हैं लेजर बीम का यूज करते हैं, तो जो लेजर बीम होती है वो आपके आपके रेड कलर की होती है, इसका मतलब वो क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक हुआ। जो पहले हम लोग क्या करते थे जो हैलोजन बल्ब यूज करते थे येलो कलर का, वो भी क्या होता था आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स, बिकॉज उसमें क्या होता है केवल येलो कलर की लाइट ही प्रोड्यूस होती थी। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं सोडियम लैंप का यूज करते हैं। आप लोग अगर कभी बीएससी जब करेंगे तो बीएससी में आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है न्यूटन्स रिंग का, वहां पे हम लोग क्या करते हैं सोडियम लैंप का यूज करते हैं, बिकॉज सोडियम लैंप जो होता है वो क्या होता है आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। और जो आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ये इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस कंडीशन के लिए, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, सिंगल वेवलेंथ, यानी कि केवल अगर ब्लू कलर की लाइट है तो वो आपकी मोनोक्रोमेटिक हो गई, केवल रेड कलर की लाइट है तो वो भी क्या हो गया आपकी मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कोई भी ऐसे दो सोर्सेस जो सेम फेज सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे दो सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऐसे दो सोर्स जो सेम फेज सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी और या फिर जीरो फेज डिफरेंस या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, ये हमने क्या हुआ एक बल्ब ले लिया, ये हो गया आपका बल्ब, और यहां पर मैंने एक लिया मोमबत्ती, तो दोनों ही क्या है आपके सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। यहां से भी आपकी लाइट प्रोड्यूस हो रही है और यहां से भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्या होगा जो बल्ब से जो वेव निकल रही है, बल्ब से जो लाइट निकल रही है या फिर जो आपकी मोमबत्ती की जो आपकी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ये दोनों क्या होगी सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होंगी। ये क्या होंगी, क्योंकि डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस केस में जो यहां इसके लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है और जो यहां बल्ब से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इनमें क्या होगा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों क्या डिफरेंट टाइप के सोर्सेस से एमिट हो रही है। तो इस केस में ये क्या हो जाए आपका इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब जहां पे दो सोर्स क्या होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, मतलब उनका नेचर सेपरेट होता है, यानी कि वहां से जो लाइट प्रोड्यूस होती है उनमें फेज डिफरेंस होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है डिफरेंट होता है। तो ये जो आप बल्ब और जो मोमबत्ती यूज कर रहे हैं ये क्या है आपकी इनकोहेरेंट हो गया, बिकॉज इसमें यहां पे क्या है फेज डिफरेंस या एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों की डिफरेंट हो गया, ठीक है। और जो आपको मैंने कोहेरेंट बताया वहां पर क्या करेंगे, सपोज करते हैं यहां पे हमने क्या हुआ एक बल्ब लगा दिया और इसके आगे हमने क्या हुआ दो होल्स कर दिए, ये S1 और ये S2, ये दो होल्स कर दिए। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो बल्ब है ये बल्ब से यहां पे रोशनी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या होगा, ये जो आपके दो होल्स है यहां से भी लाइट निकलेगी और इस होल से भी लाइट निकलेगी। अब यहां पे देखिए यहां पे आपके दो सोर्स दिख रहे हैं S1 और S2, लेकिन अब ये दोनों सोर्स जो है उसका जो मेन सोर्स है ओरिजिनल सोर्स है वो क्या है सेम है। यहां पे दोनों ही सोर्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, इस बल्ब की वजह से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका S1 और S2 है क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल सोर्स है वो क्या है सेम है, इस वजह से ये जो दोनों सोर्स से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सब कुछ क्या है सेम है। तो ये क्या हो गया आपका कोहेरेंट सोर्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स में क्या करते हैं हम लोग एक बल्ब लेते हैं और उसके आगे पर्दा लगाते हैं जिसमें हम लोग कई सारे होल्स कर देते हैं, तो उस होल से जो लाइट निकलती है वो कौन सी होती है आपकी कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएगी। और जब आप क्या करेंगे दो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस का यूज करेंगे जिनका नेचर अलग होगा, ऐसे सोर्स से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है इनकोहेरेंट सोर्स होता है, ठीक है। ये जो दोनों आपके टॉपिक है फर्स्ट दोनों टॉपिक जो हैं मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स, इनका यूज हम लोग कहां करेंगे इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। वहां पे इंटरफेरेंस में याद रखेगा कि आपको मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स का ही यूज करना पड़ेगा, तभी आपके इंटरफेरेंस की कंडीशन वहां पे अप्लाई होगी।
आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।